हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल भी है स्टोरी टेलर पर। और गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ वांगशन वेंजू शेयर कर दी है और हिवालियन में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर शीलियन कहता है ब्लड रेन सीकिंग फ्लावर, वाचंग कहता है यूर रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस। शीलियन ने यहाँ पर वाचंग को पहचान लिया था और वाचंग ने यहाँ पर पहचान लिया था कि ये एक क्राउन प्रिंस है। शीलियन जो है वो यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने सुना हो कि किसी ने मेरे पूरे नाम से, जैसे कि यूर रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस से मुझे पुकारा हो। ये यूथ जो कि लाल कपड़ों में था और यहाँ पर वो बैठा हुआ था मैट के ऊपर, उसकी एक लेग जो थी वो बेंट हो रही थी, इससे पहले लाइकवाइज वो स्माइल कर रहा था और कहता है कैसा लगता है ये सुन के। शीलियन मन में सोचता है और कहता है ये डिफरेंट लगता है जब दूसरे लोग मुझे बुलाते हैं। वाचंग कहता है ओह ये कैसे डिफरेंट लगता है। शीलियन यहाँ पर अपने सिर को हिलाता है, आंखों को थोड़ा नीचे करते हुए कहता है मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, बस ऐसे ही। यहाँ पर वो जानता था कि जो अदर है ना उसे रॉयल हाइनेस कह के ग्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जानता है कि वो सिर्फ एक लिंगमैन है जो कि उसे ऐसे ग्रीट करती हैं। बहुत सारे मेजोरिटी जो है योर हाइनेस तो बोलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मॉकिंग वाली स्माइल होती है। और यहाँ पर वो जानता है कि इस तरह के लोग जो है उसे ग्रीटिंग तो करते हैं लेकिन वो उसे इज्जत नहीं देते, उस पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और लिंगमैन जो है वो सिविल गॉडेस है, फर्स्ट पर्सन जो उसे ग्रीट करती है ड्यूरिंग थर्ड असेशन। यहाँ पर हुआचंग जो है वो उसे यूर रॉयल हाइनेस तो पुकार रहा था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो उस पर हंस रहा हो। यहाँ पर शीलियन जो है वो सोचता है जिस तरह के से हुआचंग उसे एड्रेस कर रहा है यूर रॉयल हाइनेस, वो बिल्कुल ऐसे ही बहुत डिफरेंट लग रहा है बाकी सबसे। और वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को छुपा लेना चाहता था। तभी शीलियन कहता है जब हम माउंट यूजुन पे मिले थे, जब तुम ब्राइड ग्रूम बनकर जो कि मुझे वहाँ से ले गए थे, तुम वही थे ना। वाचंग यहाँ पर मुस्कुराता है और उसे शीलियन को रियलाइज होता है कि उसने वाचंग को ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा बोल दिया है। फिर वो अपने आप को करेक्ट करते हुए कहता है जो पोज तुमने एज अ ब्राइड ग्रूम माउंट यू पर मुझे लीड किया था वहाँ से हटाने के लिए। वाचंग कहता है मैंने पोज नहीं किया एक दूल्हे की तरह। यहाँ पर वो रॉन्ग नहीं था, उस टाइम उसने यहाँ पर शीलियन जो कि एज अ खुद को ब्राइड मान रहा था, और यहाँ पर जब उसने हाथ दिया तो शीलियन खुद उसको एज अ दूल्हा मानने लगा। यहाँ पर दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा था और वो एकदम से वेडिंग सेडान के सामने रुक गया था, स्ट्रेच किया था अपना हाथ और शीलियन खुद उसके साथ चलने लग गया था। शीलियन यहाँ पर धीरे से कहता है ऑलराइट, वैसे तुम माउंट यूजुन पे क्यों थे। हुआचंग मुस्कुराता है और कहता है यहाँ पर दो पॉसिबल आंसर हो सकता है आपके क्वेश्चन के। फर्स्ट, या तो मैं वहाँ पर आसपास से जा रहा था और मैं रॉयल हाइनेस को देखना चाहता था। सेकेंड, मैं बस आसपास से जा रहा था, बोर हो रहा था और इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। वो यहाँ पर इतने सारे टाइम हो गए थे, ये जो यूथ था ये अपनी बातों में बहुत ही ज़्यादा शैतान था। और शीलियन कहता है मैं प्रिज्यूम नहीं करना चाहता किसी चीज़ को, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है तुम्हारे हाथों के अंदर। उसकी आइज़ जो है वो ट्रेवल करती है वाचंग पे। यहाँ पर फिर वो देखने लगता है और फिर नोट करके कहता है आप डिफरेंट हैं और तुम कैसे एक तरह से लेजेंड की तरह पोर्ट्रे कर सकते हो। यहाँ पर वाचंग जो है वो अपने पोस्चर को चेंज करता है और यहाँ पर वो अभी भी अपने एक हाथ को अपने सिर के नीचे दबाए हुए था, वो शीलियन की तरफ देखता है और पूछता है कि यूर रॉयल हाइनेस आपने कैसे जाना कि मैं ब्लड रेन सीकिंग फ्लावर हूँ। यहाँ पर शीलियन जो है उसका माइंड मेमोरीज को याद करने लगता है कि ब्लड रेन जो पेट्रल डाउन है वो यहाँ पर कैसे, इसके आसपास वो चमकीली इसने चाइम्स देखी थी जो कि मेटल की थी, यहाँ पर आइसी कोल्ड टच था इस इंसान का। और एग्जैक्टली जो दर्द एक दूसरे की आइडेंटिटी को हाइड करने में होता है वो मन में बहुत देर तक सोचता है और कहता है कुछ भी हो जाए मैंने तुम्हें हर तरीके से टेस्ट किया, तुम यहाँ पर फुल प्रूफ इंसान थे और तुम यहाँ पर डिवास्टेशन की स्टेज तक पहुँच गए थे, इसलिए तुम पूरे के पूरे क्रिम्सन हो जैसे कि मैपल लीव्स तुम्हारा ब्लड, और तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फियरलेस हो और तुम बियर कर सकते हो किसी भी चीज़ को। वो सिर्फ ताकत ब्लड रेन सीकिंग फ्लावर में है जो कि यहाँ पर हेवनली ऑफिशियल्स को आराम से हरा सकता है और उनका नाम मेंशन कर सकता है। और वैसे मुझे और कुछ ज़्यादा मैं सोच नहीं पाया, वचन कहता है तो मैं आपके वर्ड को ऐसे लेता हूँ जैसे फ्लैटर कर रहा हो। शीलियन यहाँ पर ऑलरेडी जानता था कि वाचंग एक डिफरेंट किस्म का इंसान है। वाचंग स्माइल करता है और कहता है योर हाइनेस आपके जो वर्ड हैं उन्हें मैं साइड रखता हूँ, क्या आप मुझसे पर्पस नहीं पूछना चाहेंगे कि मैं आपके पास क्यों आया। शीलियन कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मेरा इसका कोई भी यूज़ नहीं है कि मैं तुमसे ये बारे में बात करूँ। वाचंग कहता है वैसे ज़रूरी नहीं है, आप मुझे खुद से दूर भी भगा सकते हैं। शीलियन मुस्कुराता है और कहता है जो भी तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर है, अगर मैं तुम्हें खुद से दूर भी करूँ तो सच में मैं जानता हूँ तुम मुझे हार्म करने नहीं आए हो, सिंपली तुम अपना अपीयरेंस चेंज करोगे और दोबारा मुझे अप्रोच करने लग जाओगे। दोनों के दोनों ऐसा लग रहा था जैसे इतने टाइम से एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। सडनली यहाँ पर एकदम साइलेंस हो जाता है और वो पूछी शरीन थी जो श्राइन थी वहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पर उनके बीच में जो नॉइस थी और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहाँ पर एक ब्लैक क्ले पोर्ट था जो कि रोल हो रहा था ग्राउंड पे, एकदम सन्नाटा होता है और वहाँ पर बेनी यू जो कि उस पोर्ट के अंदर थी वो हाउस में घूमने लगती है। शीलियन यहाँ पर उसने मैट के ऊपर उसे बिछाया हुआ था,
यहाँ पर वो जैसे ही डोर की तरफ देखता है, वुडन डोर जो कि ह्वाचिंग ने यहाँ बनाया हुआ था और ब्लॉक किया हुआ था पाथ को, वो क्ले पोर्ट जो था वो यहाँ पर नोक कर रहा था उसके अगेंस्ट में, और वो यहाँ पर तब तक बचता रहता जब तक टूट ना जाए। शीलियन जो है यहाँ पर डोर को ओपन करता है, क्ले पोर्ट जो है वो रोल होता है खुद से और वो वापस एक ग्रास की तरफ चला जाता है। शीलियन जो है फॉलो करता है पोर्ट को, पोर्ट जो है यहाँ पर ग्रास की तरफ बढ़ता रहता है। उसके बाद ह्वाचिंग जो है वो फॉलो करता है ऊंची श्राइन में। शीलियन उसे बोलता है, बेनियो क्या तुम जाग चुकी हो? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था पूछना, क्योंकि वो जब से डेजर्ट से आए हैं यहाँ पर बहुत सारे पीपल जो है वो विटनेस कर चुके हैं। शीलियन जो है वो अगर ऐसे ही रात में बाहर खड़े रहकर क्ले पॉट से बातें करेगा तो उन्हें लगेगा कि शायद ये पागल है। यहाँ पर थोड़ी सी बातें होने के बाद पॉट में से आवाज़ आती है, जनरल हुआ। शीलियन जो है वो सेटल करता है खुद को और कहता है, बेनियो क्या तुम बाहर आना चाहती हो? क्या तुम चांद तारे देखना, सितारे देखना चाहती हो? अगर तुम पोर्ट से बाहर आओ तो कैसा रहेगा? तभी ह्वाचिंग जो है वो कहता है, वो वैसे भी बेन्यू छोड़ चुकी है, अगर अच्छा ही होगा अगर वो कुछ दिन जो है वो इस पोर्ट के अंदर रहे। उसके बाद बेन्यू जो है वो यहाँ पर कन्फाइन करना चाहती थी बेन्यू सिटी को लेकर, यहाँ पर 200 साल हो चुके, ये डिफिकल्ट था उसके लिए अडेप्ट करना, सडनली उसके सराउंडिंग में चेंज हो चुका था। चिलियन यहाँ पर कहता है, ये ठीक रहेगा अगर तुम कुछ टाइम के लिए अंदर रहो तो, ये प्लेस जो है वो डिफरेंट है और तुम्हें अब किसी भी चीज़ की वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो आराम करो। पोर्ट जो है वो दो बार हिलता है और उस मोमेंट वो कंसीडर करता है कि शीलियन ने यहाँ पर बेन्यू में एक्चुअली वो मन में सोच रहा था कि शायद बेन्यू अपना फॉल्ट समझ रही है जो भी हुआ है। वो कहता है, तुम्हारी स्कॉर्पियन टेल स्नेक वो। तभी बेन्यू कहती है, जनरल हुआ मैं मूव नहीं कर सकती, पहले मैं हिल भी नहीं पाती थी और मैंने कुछ भी नहीं सुना। शीलियन जो है वो यहाँ पर अपने वर्ड्स को दोहराता है, उसे रियलाइज़ होता है कि पेसू जो है उसने सील कर दिया है उसकी एबिलिटी को मुड़ने घूमने या फिर किसी भी उसकी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर रोक दिया है। तो वो कहता है, ठीक है। ये सुनने के बाद वो यहाँ पर कि उसने अभी तक सारी चीज़ अच्छे से सुनी है या नहीं सुनी, ये देखने के बाद पोर्ट में से आवाज़ आती है, जनरल हुआ। जनरल पे जूनियर को क्या हुआ? शीलियन कहता है, मुझे नहीं पता, बट किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी पनिशमेंट दूसरे के क्राइम के लिए। और थोड़ी देर तक चुप होता है और फिर से हिलता है और शीलियन फाइनली फिगर आउट करता है कि यहाँ पर वो सिर हिलाकर कहती है, एक्चुअली जनरल पे जूनियर जो है वो इतने बुरे नहीं है जैसा कि आप सोचते हो। तभी वो पूछते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? वेन्यू कहती है, वो मेरी पहले मदद कर रहे थे। ये साउंड ऐसा हो रहा था कि वो कन्फर्म करना चाहती थी कि उसे कुछ ना हो। सडनली सारी की सारी मेमोरीज जो हैं वो शीलियन के माइंड में आती है कि बेन्यू जो है फ्रीक्वेंटली उसे मारा जाता था, उसके जो वर्ड्स हैं ना वो योगियन चिल्ड्रन उसे बहुत बार अजीब तरीके से ट्रीट किया करते थे, उसके फेस पे ही उसका मजाक उड़ा दिया जाता था। और शीलियन जो है वो जब ये चीज़ देखता है, उसने बहुत पहले ही ये चीज़ भाप ली थी और उसे जानना चाहता था। और कुछ भी हो जाए, इतनी बार पिटने के बाद बेन्यू ने बहुत कुछ सफ़र किया है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था जब तक अंटिल शीलियन जो है वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर उसका फेस जो है वो मिट्टी में भरा हुआ था जब उसे गिरा दिया गया था और रियलाइज़ करता है कि उसके चेहरे पे कितने सारे निशान डले हुए थे। लेकिन थोड़ी टाइम बाद वो उसे पूछता है कि क्या इंसिडेंट हुआ था। वो सिर्फ इतना याद कर पाती थी कि एक बॉय ने उसे यहाँ पर खींचा था और मड में से बाहर निकाला था और यहाँ पर उसका मुँह साफ करने के लिए उसे एक हैंकी दी थी। यहाँ पर उसने उस हैंकी से अपना मुँह तो साफ कर लिया और उसे रिटर्न भी कर दिया, लेकिन बाकी वो सारी चीज़ें भूल चुकी थी। उसे कभी भी याद नहीं आया कि किसने उसे हिट किया और ना ही वो याद करना चाहती थी, बट उसे ये याद था कि किसने उसे बचाया। यहाँ पर बेन्यू जो है वो ऐड करती है और कहती है, कीमो जिसने हमेशा से मुझे एक्यूज़ किया है कि मैं उसके चार्म से फंस गई थी, ये बकवास बात है, ये लोग मुझे एक टूल की तरह यूज़ करते थे। बट अगर कहा जाए कि मैं यूज़ होना चाहती थी तो क्या कहोगे? मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं सिटी की गेट खोलूं। यहाँ पर शीलियन जो है वो नहीं जानता कि क्या कहे, वो धीरे से वो जानता था अपने दिल में, उसका दिल यहाँ पर थोड़ा सा पोलाइट होता है और हरीडली वो पोर्ट को यहाँ पर कंसोल करने लगता है, उसे धीरे से उसे सहलाने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, अब ये सारी चीज़ें पास्ट हैं। बाय द वे बेन्यू, ह्वाशी एक सिर्फ नेम है जो मैंने खुद से बनाया था और मैं कोई जनरल नहीं हूँ। बहुत टाइम पहले ही मेरी वो उपाधि छीन ली गई और तुम्हें मुझे जनरल हुआ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो पूछती है, फिर मैं आपको क्या कहूँ? ये क्वेश्चन उसके लिए अनदर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। बेन्यू उसे योर रॉयल हाइनेस कहे, क्राउन प्रिंस कहे या फिर क्या बोले, उसे अब बड़ा अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर ये टाइटल उसके लिए यूज़लेस थे। वो इस सब्जेक्ट को चेंज करता है और कहता है, कोई बात नहीं, वो तुम पे है, अगर तुम जनरल हुआ बुलाना चाहो तो कोई बात नहीं, फाइन तुम बुला सकती हो। यहाँ पर हुआ बहुत ही कॉमन सी लग रहा है ना, ह्वाचिंग का सरनेम भी हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हुई जो उसके लिए कंफ्यूजिंग थी। यहाँ पर जनरल हुआ जब वो बुलाएगी तो वो कौन से हुआ को बुला रही है, ह्वाशी को या फिर ह्वाचिंग को जिसका नाम है फ्लावर क्राउन मार्शल गॉड, या फिर ह्वाचिंग जिसको बड़े ही प्यार से क्रिम्सन ब्लड फ्लावर कहा जाता है। हुआ का मीनिंग होता है फ्लावर, जनरल हुआ का मीनिंग हुआ जनरल फ्लावर, लेकिन ह्वाचिंग का मीन्स होता है यहाँ पर फ्लावर क्राउन मार्शल गॉड। ह्वाचिंग जो है वो फ्लावर सिटी है। ये बेन्यू जैसी चीज़ें सुनती है और कहती है, आई एम सॉरी जनरल हुआ। शीलियन जानता था कि वो माफ़ी मांग रही है, तो वो बेन्यू को कहता है, तुम अपोलोजाइज क्यों कर रही हो मुझसे? उसका अपीयरेंस जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा था। बेन्यू कहती है, मैं बस कुछ कॉमन पीपल को बचाना चाहती थी। शीलियन ये सुनकर चुप हो जाता है। बेन्यू कहती है, जनरल हुआ ये आपके वर्ड हैं? शीलियन कहता है, सच में? इमिडिएटली यहाँ पर वो पोर्ट को पकड़ता है और कहता है, वेट। बेन्यू कहती है, पर वेट किस चीज़ का? शीलियन जो है वो क्विकली ह्वाचिंग को देखता है जो कि अभी भी
जी के पास अपनी आर्म्स क्रॉस करके उसके सहारा लेके खड़ा हुआ था और वो कहता है, क्या मैंने ऐसी कोई बात कही है कभी? यहाँ पर वो अपने पिछले दो असेंडेंट की चीज़ें भूल चुका था, उसे नहीं पता जब उसने असेंड किया था वो क्या चीज़ें बोलता था और क्या नहीं। यहाँ पर वेन्यू कहती है, जनरल ये आपके वर्ड हैं। चिलियन कहता है, बट मेरे नहीं है। वेन्यू कंटिन्यू कहती है, ओ यस, आपने ये एक बार किया है, आपने एक बार मुझसे कहा था अगर मैं चाहती हूँ बड़े होना तो मैं कहूँ कि मैं नहीं जानती। आपने कहा था कि तुम अगर बड़े होना चाहती हो तो तुम क्या बनना चाहोगी। तब आपने कहा था, जब मैं किड थी माय ड्रीम आपका ड्रीम हुआ करता था लोगों को बचाना। आपने ये चीज़ मुझे तब बताई थी जब मेरा कोई गोल नहीं था। शीलियन कहता है, ये वेन्यू तुम्हें ये चीज़ें अभी तक याद हैं, ये तो बकवास बातें हैं। वेन्यू कहती है, सच में क्या ये बकवास है? बट जनरल हुआ, मुझे लगता है आप अपने वर्ड जो भी कहे थे उन्हें कहीं ना कहीं मीन करते थे। शीलियन जो है वो मून की तरफ देखता है और कहता है, ये तो बस मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे पुरानी बातें नहीं याद, मैं क्या कहूँ। वेन्यू यहाँ पर कहती है, आपने एक और चीज़ कही थी, आप हमेशा सही चीज़ें करना चाहते थे और आपके रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं आ सकती जब आप सही का साथ देते हैं, तो चाहे आप हज़ार बार गिर जाएं लेकिन आप हज़ार बार वापस जाएं और अपने उस काम को करें जो आप करना चाहते हैं, चाहे आपको उसके लिए बार बार उसके लिए ट्राई करना पड़े। शीलियन जो है वो नहीं जानता था। वो यहाँ पर वाचन की तरफ मुड़ता है, हंसता है जो कि ट्री के नीचे था। यहाँ पर शीलियन जो है वो पोर्ट को यहाँ पर रखता है और उसके थॉट थे कि क्या नॉनसेंस बातें मैं उस टाइम किया करता था, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, क्या मैं उस तरह का पर्सन था। यहाँ पर वो बेन्यूस उसे कहती है, बट मुझे नहीं पता अब सच में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। शीलियन जो है वो उसके वर्ड को अभी भी सुन रहा था। वो कहता है, मेरा ड्रीम था कि मैं कॉमन पीपल को बचाऊं जैसे कि जनरल हुआ बचाना चाहते थे, बट यहाँ पर मैंने पूरे वेन्यू नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेन्यू का साउंड ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत दुख हो। और वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने जो भी किया उसके आउटकम्स हमेशा टेरेबल निकले, जनरल हुआ। मैं जानती हूँ कि मैंने जो भी किया वो गलत था, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हो गई? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो मुझे कहा था कि हम लोगों को कॉमन पीपल को बचाना चाहिए। चिलियन अभी भी बेचारा उसकी तरफ देख रहा था। तभी चिलियन कहता है, आई एम सॉरी वेन्यू, तुम कॉमन पीपल को बचाना चाहती थी लेकिन तुम कैसे बचाना चाहती थी? मेरे पास इस चीज़ का आंसर नहीं है, मैं नहीं जानता कि मैं अब तुम्हें क्या आंसर करूँ, ना मेरे पास पहले आंसर था। मैंने वो साइलेंटली बोलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जनरल हुआ, मुझे भी नहीं पता कि मैंने इन 200 सालों क्या किया, लेकिन सारी चीज़ें एक फेलियर की तरह थी। शीलियन को बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, वो मन में सोचता है कि यहाँ पर 800 ईयर से वो बेचारा इतने सारे फेलियर को झेल रहा है और ये सिर्फ 200 साल के फेलियर को रो रही है। यहाँ पर वेन्यू जो है वो काउंटडाउन होती है और क्विकली यहाँ पर वो चुपचाप स्टार्स को देख रही होती है। शीलियन जो है वो देखता है कि वाचन जो है वो ऊंची शरीर में वापस चला गया है और शीलियन भी वापस जाता है। दोनों के दोनों डोर को क्लोज करते हैं। शीलियन कहता है, वेन्यू, वो वेन्यू पास में विलिंगली रहना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर रैत की तरह टर्न होना चाहती थी, बल्कि उसे ट्रैप किया गया था वहाँ पर। घोस्ट जिनकी रैंक होती है फियर्स, सेवर, रैत, डिवेस्टेशन, इनका कंटेक्स्ट ये होता है अगर वेन्यू जो है वो यहाँ पर सेकल नहीं होती, उसके इतने दुख नहीं होते, उसके डिज़ायर्स उसे इस चीज़ में बदलने में काफ़ी पहले ही मदद कर देते। यहाँ पर स्टार्ट से ही वो कभी भी कुछ भूल नहीं पाई। उसने सिटी गेट खोला लेकिन वो कभी खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाई कि उसने ऐसे एक्शन क्यों किए। वो एक्सक्यूज़ नहीं ले रही बल्कि उसने ये सोचा था कि वो लोगों का भला करने जा रही है वेन्यू नेशन में, लेकिन इतने लोग मर गए और रातों रात कीमो और उसके सोल्जर ने सबको कैप्चर किया, मार डाला। शीलियन जो है वो अपने सिर को ऐसे झटकते हुए सोचता है, इनफैक्ट अगर जनरल पे जूनियर वो सच में इन चीज़ों से गेट रिड होना चाहते हैं तो वेन्यू के जो सोल्जर हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए था डिस्कवरी को, जो कि अपर कोर्ट द्वारा, हेवन द्वारा कर ली गई थी, और यहाँ पर उन्हें चुपचाप एक पॉपेट की तरह यूज़ करना चाहिए था वेन्यू के सोल्जर्स को। उन्होंने फिर भी यूज़ किया इस तरह के मेथड को। वचन कहता है, जो पावर होती है वो पॉपेट की वो ग्रेटली कम कर दी जाती है। अगर तुम देखो जो पॉपेट होते हैं, जैसे कि पेसू है, उसने अजाव क्रिएट किया, ये पहले नहीं हो सकता था लेकिन बहुत सारे वेन्यू सोल्जर्स जो हैं वो एक बार में मारे गए। अगर वो धीरे धीरे उनको लोगों के फ्लैश को खिलाएंगे, ब्लड को खिलाएंगे, और यहाँ पर रिसेंटमेंट और भी ज़्यादा उजागर होगी तो ये उनके लिए बहुत आसानी की बात होगी। चिलियन कहता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वाचन धीरे से कहता है, मे बी वो यहाँ पर लिटिल फ्रेंड वेन्यू को थोड़ा सा और सफ़र कराना चाहता हो। चिलियन कहता है, लेकिन उन मॉर्टल्स का क्या? वाचन कहता है, जो हेवन ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो मॉर्टल्स के बारे में वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। पेसू जैसे कि टिपिकल एग्जाम्पल है, हेवन ऑफिशियल जो कि अपर कोर्ट के हैं, वो डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, इवन चाहे कुछ 100 लोग ही क्यों ना मर जाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए सारी चीटियां बराबर हैं। यहाँ पर शीलियन जो है वो उसकी तरफ देखता है, वो रिकॉल करता है कि सनलिंग ने जो भी बातें कही हैं सिनर पिट में, वेन्यू सोल्जर्स जो उसके अंदर थे जिन्हें मार दिया गया था एक सिंगल सांस के अंदर ही, यहाँ पर वो कहता है, जो पपेट हैं वो उनकी पावर हमेशा कम होती है, जैसे कि आपने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने ऐसे लोगों को देखा है क्या? ये जो पपेट हैं वो प्रीटी इनक्रेडिबल हैं। सिंगलिंग कहता है, ऑफकोर्स जब आप रियल थिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पपेट को बस यूज़ किया जाता है। चिलियन कहता है, हाँ ये या तुम्हारी ट्रू सेल्फ है। वाचन कहता है, गारंटेड जेन्युइन, अदरवाइज रिटर्नेबल। ये बात सुनकर ना उसे नहीं पता कि वो आगे क्या कहे, वाचन के वर्ड्स आगे क्या होंगे। एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर नॉर्मल से थे।
चिलियन जो है वो वापस से आता है और उसके सेंसेस बार बार चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वाचन है वो घोस्ट किंग है और जो होस्ट किंग है ना उसकी बॉडी जो है वो बहुत पहले ही मतलब डिस्ट्रॉय हो गई होगी, लेकिन उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। इतना पोक करने के बाद भी वो मॉडिफाइड है। वाचन जो है वो धीरे से यहाँ पर पोक करता है फेस को और यहाँ पर वो आराम से काम डाउन रहता है। उसके एक्सप्रेशन जो थे वो हमेशा सूदिंग रहते थे। वो कुछ नहीं कहता, वो धीरे से अपनी ब्रो को उठाता है और वो चिलियन की तरफ देखता है। वो थोड़ी देर वेट करता है। चिलियन जो है वो यहाँ पर वेट कर रहा था, 2 मिनट चुप हो जाता है और यहाँ पर दो फिंगर को वो देख रहा होता है कुछ मोमेंट के लिए और वो कहता है नॉट बैड। वाचन जो है वो जोर से हंसता है और अपनी आर्म्स को अपनी चेस्ट की तरफ लाता है और धीरे से अपने सिर को हिलाता है और यहाँ पर चिलियन कहते हैं क्या नॉट बैड, तुम्हें लगता है कि ये स्किन जो है तुम्हारी वो नॉट बैड इतनी बुरी नहीं है। चिलियन यहाँ पर कहता है तुम्हारी जो स्किन है सर, ये वाचन पहले बोला था और चिलियन कहता है तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत अच्छी है। वाचन कहता है बट, यहाँ पर चिलियन जो है उसकी तरफ देखता है, हेजिटेट होता है और कहता है बट मैं सच में जानना चाहूँगा कि तुम असल में दिखते कैसे हो, सिंस वाचन जो है वो उसकी स्किन ये ओरिजिनल स्किन तो नहीं है, उसकी स्किन पहले ही खत्म हो चुकी होगी। उसका यंगस्टर वाला अभी भी लुक है लेकिन वो उसकी ट्रू फॉर्म नहीं है। इस टाइम वाचन जो है वो उसे आंसर नहीं करता। वो धीरे से अपनी आर्म्स को और अपनी साइड को देखता है। मे बी चिलियन की इमेजिनेशन जो है उसकी आंखों में वो और भी ज़्यादा डार्कर हो रही थी। चिलियन का हर्ट यहाँ पर टाइट हो जाता है, कहीं उसने ऑफेंड तो नहीं कर दिया वाचन को। देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और कैसे वाचन अपनी ट्रू फॉर्म चिलियन को क्या कभी दिखा पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।